पाकिस्तान सुपर लीग में तो किसी भी फ्रेंचाइज ने अहमद शहजाद की कोई नहीं सुनी। उस बेचारे ने जो भी रन वगैरह किए हुए थे उन सबको उन्होंने छूमंतर कर दिया। लेकिन अहमद शहजाद आपको पता है पीएसएल से दिल बर्दाश्ता भी हो गया। उसने ये भी कह दिया कि कोटा ग्लैडिएटर से तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, ये फलाना टिमकाना मुझसे कम रन वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में मुझे नहीं मिला। मतलब वो दुखी सा लेटर सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने डाला था। चलो पीएसएल में तो उन्हें किसी ने नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका भाई साहब जिसे कहते हैं उनकी लॉटरी निकली, उनका नाम आया और अहमद शहजाद इज़ बैक। भाई ने आज ठीक ठाक स्कोर भी पेला है। मतलब आज अहमद शहजाद ने अपनी टीम को इतना बेहतरीन किस्म का स्टार्ट दिया था फॉर्चून बरीशल्स को। शुएब मलिक की जगह पर आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था कि बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं कि शुएब मलिक की जगह के ऊपर बरीशल्स वाले वो अहमद शहजाद को लेंगे। तो अहमद शहजाद बरीशल्स वालों के पास आ भी गए हैं, उनकी तरफ से आज पहला मैच भी खेल लिया है। तो एक मोटी मोटी आपको अपडेट देता हूँ कि मैच में क्या हुआ। चटागोरम चैलेंजर्स के साथ मैच था बरीशल्स वालों का। चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग की, 193 फॉर 4 किया, ठीक हो गया। उनकी तरफ से जनाब अविष्का फर्नांडो 91 किया 50 बॉल्स के ऊपर, 5 जिसे कहते हैं चौके मारे, 7 छक्के, 182 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके अलावा शहादत हुसैन 31 उन्होंने किए, कर्टिस ये 29 बना गए 9 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 322 का स्ट्राइक रेट, वो एंड के फायर वर्क्स, ठीक है। ऊपर एक 91 और एक 31 है, 29 कर्टिस किए हैं और ज़ादरान नजीबुल्ला ज़ादरान 18 वो करके, तो मिल मिलाकर 193 मार के वो ये जा वो जा। तेजुल इस्लाम उसने बरीशल्स की तरफ से 2 विकेट्स नी, 4 ओवर किए, 26 रन दिए, उसने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की। बाकी तो सबको तकरीबन 10-11 के रन से कुट्टी पड़ गया है। कामरुल इस्लाम 4 for 43 एक विकेट, और ये कैरिया 4 ओवर्स 33 रन एक विकेट। खैर 193 करना था बरीशल्स वालों ने। हमारे अहमद शहजाद भैया ओपनर खेलते हैं ना, वो 39 उन्होंने किए 17 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के, 229 का स्ट्राइक रेट। सर अहमद भाई ने ना जो पावर प्ले लगाया ना बरीशल्स वालों का, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल एग्जैक्टली सर 5 ओवरों में 50-55 करके अगले ने दे दिया था, ठीक है। जब आपने 190 प्लस का स्कोर चेज करना हो तो आपको पावर प्ले 10-11 रन का मिल गया हो तो और आपको क्या चाहिए। अहमद शहजाद अपना काम कर गया था पावर प्ले में, उनकी टीम जो है वो फिर बाद में जो आने वाले हैं ना अहमद शहजाद के आउट होने के बाद, उन्होंने वो मज़ा नहीं कराया, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगी थी इनकी बरीशल्स वालों की। अहमद शहजाद का मैंने आपको बता दिया 39 17 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 2 छक्के, तमीम बेहतरीन 33 रन किए, थोड़े स्लो किए 30 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 1 छक्का, लेकिन वो दूसरी तरफ से अहमद भाई कुट रहे थे तो इन्होंने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है। सुमैया सरकार 17 किए पास, मुशफिकुर रहीम इन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की 30 में सिर्फ 23 कर सके। फिर नीचे मेहदी हसन मिराज वो 35 कर गया 16 गेंदों के ऊपर, 3 चौके उसने 2 छक्के लगाए, लेकिन ओवरऑल वो जो एक मेजर बीच में टोटल बड़ा एक कोई चाहिए था ना पावर हिटिंग टाइप का, वो मिस कर गए ये बरीशल्स वाले। इन्होंने 183 किए अपने 20 ओवर्स में और इनके 7 खिलाड़ी आउट थे। आउट ये भी सारे नहीं हुए, आउट अपना वो भी नहीं हुए थे दूसरे इनके, एक तो इतने मुश्किल चैलेंजर्स, हाँ आउट वो भी नहीं हुए थे, आउट ये भी नहीं हुए। लेकिन बात वही है कि इन ये बेसिकली हार गए 10-11 रन से, क्योंकि इनके पास वो नीचे जिस तरह इनको एक दो हिट पक्के चाहिए थे ना, वो नहीं इनसे लगे। वो उसने मेहदी ने ट्राई किया, लेकिन वो फिर बात वही है कि मेहदी के सर के ऊपर से पानी बाय दैट टाइम गुजर चुका था। 10 रन से वो टोटल मैच हार गए। अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मेहदी का जो विकेट था ना वो सबसे ज़्यादा क्रूशल था, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेला था और वो कोई तकरीबन आप कह लें कि अगर टिक जाता ना जस्ट अ फ्यू मोर डिलीवरीज, ठीक है, तो देर वॉज एवरी चांस कि वो शायद इनको ना मैच फिनिश करा जाता, लेकिन उस बेचारे की भी किस्मत वो लंबा टिक नहीं पाया। तो खैर बात अब चूँकि अहमद शहजाद भाई की हो रही है, तो अहमद शहजाद का तो बीपीएल में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना केस स्टार्ट हुआ है, और अगर ये बीपीएल में तगड़ी परफॉर्मेंस दे जाते हैं भाई साहब, पीएसएल में जो है ना फिर जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर बहुत बहुत लानतान होने वाली है कि अच्छा खासा वो स्कोर कर रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने नेशनल T20 कप में आगे पीछे, प्लस वो ये भी कहता रहा है कि मुझे दुनिया भर की T20 लीग से ऑफ़र आती रही हैं, लेकिन मैंने प्रेफरेंस दी हुई थी अपने जो जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्योंकि मैं उसके थ्रू फिर वो पीएसएल और फिर वो नेशनल टीम और वो सारा कुछ
जिसे कहते ना एक साइकिल चलाना चाहता था, लेकिन उनका वो साइकिल चले ही नहीं क्योंकि बीच में PSL में उनको किसी ने नहीं लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उन्होंने परफॉर्म कर लिया, लेकिन अब उन्हें PSL में आना था, PSL में उन्हें किसी ने लिया ही नहीं। और बात अहमद की टू सम एक्सटेंट ठीक है कि यार उसके जितने रन थे उसको किसी ना किसी फ्रेंचाइज को तो लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया गया। तो बस फिर वो बीच में अब वो जिसे कहते हैं डक्का लग गया अहमद भाई के लिए स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट और नेशनल टीम उसके बीच में PSL की परफॉर्मेंस मैटर कर रही थी, वो है कोई नहीं। तो अब BPL उनको एक जिसे कहते हैं लकी चांस मिल गया, अब उसमें उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया, 39 किए हैं, मार धाड़ से भरपूर किस्म के थे, जिस किस्म का स्टार्ट उनकी टीम को चाहिए था उस किस्म का स्टार्ट अहमद ने डिलीवर करके दिया है। अब टीम उसके ऊपर उस स्टार्ट के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकी तो इसमें अहमद का तो कोई कसूर नहीं है ना। अहमद की जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी अहमद ने वो कर दी, अब बाकी फिर सारी टीम फिर क्या उसे कहते हैं चने चबा लें, फिर और क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह तो फिर आप खुद अकेले एक बंदे के ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट खैर अब देखते हैं बरिशल्स के आने वाले मैचेस में अहमद शहजाद क्या करते हैं, मज़ा आएगा। वैसे आई एम श्योर कि अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंसेज हैं ना वो देखकर मुझे लग रहा है कि वो इस टूर्नामेंट में ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।